इस काबिल नहीं है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बन सके। गरीब मर गया, गरीब मर गया, गरीब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन चुकी है जो देश के हर परिवार को, हर वर्ग को एकदम झकझोर रही है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल फैमिली हो, हर इंसान को महंगाई जैसे मुद्दे से तकलीफ होती जा रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, देश में अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं, दाल चावल खाने के लाले पड़ चुके हैं लोगों को। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि दो टाइम की रोटी तक नहीं हो पा रही है। उसके बावजूद देश में GST बढ़ रहा है, अलग अलग चीज़ों पर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली के लाल किला के बाहर, लोगों से ये जानने के लिए कि महंगाई जो प्रॉब्लम है वो कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे दर से वो गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के बारे में जानते हैं कि आगे अगर वो चाहते हैं कि सरकार से क्या विनती करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए करे। तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं आज हम जनता जनार्दन से। आइए, अगर पढ़ रहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, अब देश दुनिया में इतनी ज्यादा त्राहिमाम हो रही है, बस है, फिरी लाइट, फिरी पानी, फिरी दारू, वो तो दिल्ली की बात है ना, वो तो दिल्ली की बात है, पूरे देश आ जाएंगे। देश में कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक है। बहुत कॉस्टली महंगाई, बहुत कॉस्टली है, हाँ बहुत कॉस्टली। हर इंसान की कमाई इस समय महंगाई के हिसाब से कमाई भी चल रहा है, सबकी चल रही है क्या, गरीब भी। अच्छा, तो महंगाई के हिसाब से सबकी कमाई चल रही है, सब चल रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। महंगाई कम हो गया, अच्छी सुविधा मिलेगी, बहुत कम हो गया, अच्छी सुविधा मिलेगी लोगों को, बढ़ोतर मिलेगा। सरकार ने ये कहा था कि हमारे आने के बाद, हमारे जीतने के बाद जो अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन आ गए आप लोग? बुरे दिन है, बढ़िया दिन आ गए, बढ़िया। अरे पेट्रोल महंगा हो रहा है, GST बढ़ाई जा रही है, हर चीज बाहर से नहीं आएगा तो महंगा तो हो गई। इसके लिए क्या, किस चीज को मतलब किसी सरकार को आप दोष देंगे? सरकार तो अच्छी है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो अच्छी है, कोई सरकार कोई दिन भी आएगी, दोबारा भी आएगी सरकार, ऐसी बात थोड़ी ना। 2024 दोबारा फिर वोट करेंगे। अच्छा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो और चलेगा, कोई सरकार नहीं आएगा, BJP के अलावा कोई सरकार नहीं आएगी। जॉब करता है तो उसका सैलरी उतनी ही है, उससे ज्यादा सैलरी है नहीं। BJP ऐसा क्या कर रही है जो आप उनको मतलब इतना ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है? सब कुछ तो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हर चीज कर रही है, हिंदू का साथ ज्यादा दे रही है। अच्छा, तो ये अच्छा कर रही है कि हिंदू का साथ? हाँ, अच्छा कर रही है। इस देश में मुसलमान नहीं रहते क्या? अभी तो हिंदू पीछे थे, इसी बात थोड़ी थे। मुसलमानों के साथ कौन सा बुरा कर रहा है, सबको दे रहा, सबका साथ, सबका विकास। बुरा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे महंगाई की बात चल रही है, तो जो महंगाई है, मुझे बताओ, कांग्रेस के राज हम 150 रुपए झाड़ी पाते थे, आज 500 रुपए झाड़ी, काहे की महंगाई है? उस हिसाब से आपका खर्च नहीं बढ़ा है? खर्च बढ़ा तो महंगाई भी तो बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ा, झाड़ी भी बढ़ी, हर चीज बढ़ रहा है, कमाई भी बढ़ रहा है, इसी बात थोड़ी ना सबकी। पहले 200 मजदूरी चले, आज 500 मजदूरी पा रहे हैं, हर वर्ग की बढ़ रही है। हाँ, महंगाई हर चीज की बढ़ रही है, गरीब हो, अमीर हो, सब एक जैसे कमा रहे हैं। मैम, गरीब मर गया, गरीब मर गया, गरीब गरीब कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं उसको। और महंगाई तो तेल कितना, 180 रुपए लीटर हो गया, 200 रुपए लीटर तेल हो गया, अब तो घटा है ना, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा था, आदमी कितना कमाएगा, कितना खाएगा बताइए। 200 रुपए में अपना घर चलाता था पहले, अब चला ही नहीं पा रहा है अपना घर, अब तो 1000 रुपए डेली पैदा करता, कमा के पड़ता करता, इसी बात थोड़ी ना है, 1000 रुपया कमाता है, 1500 रुपया कमाता है, पहले 500 कमाते थे, 1000-1500 कमाते हैं, इसी बात थोड़ी ना है। ये कह रहे हैं रोकना चाहिए, थोड़ा समय सरकार कैसे रोक देगी महंगाई? थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा जॉब, अब तो पब्लिक नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक की क्या परेशानी, आप लोगों को महंगाई बढ़ने से परेशानी क्या हो रही है? मैम ये हो गया, कमाई नहीं रहोगी, व्यापार जो छोटे छोटे ठेले वेले लगाते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं, हर सिटी में कोई है नहीं उतना का कमाई, महंगाई बहुत ही ज़्यादा, खर्चे पूरे नहीं होते, कमाई है नहीं, कमाई है नहीं बिल्कुल भी, महंगाई इतनी है, चार वो रोज का 5000 रुपया कमाओ तभी पता नहीं चलता, तभी कम पड़ते, इतनी महंगाई की। गाड़ी वगैरह में आजकल पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर क्या परेशानी हो? बसों में आ रहे हैं अब तो, मोटरसाइकिल बंद करके घर में बस में आ रहे हैं हम तो। एक लोग घर में कमाते थे, 10 लोग खाते थे, इसमें 10 लोग कमा रहे हैं, तभी नहीं पूरा हो रहा है घर, आबादी हो रही है, पचपन मोटरसाइकिल जितना कमाते हैं मोटरसाइकिल लग रहे हैं, लोग करते हैं, जनसंख्या पे क्या बोलेंगे, जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है, ऐसी बात थोड़ी ना, जनसंख्या जनसंख्या पर रोक लाना चाहिए, 20 परिवार उसके घर में होंगे, 30 परिवार होगी उसके घर में, महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो परेशानियां क्या आ रही है, मैं ये सवाल आपसे पूछूं। कुछ नहीं आ रही है, जितना रेट बढ़ रहा है ना उतनी कमाई नहीं हो रही, जितनी रेट बढ़ रही है उतनी गाड़ियां निकल रही हैं। आप क्या नहीं, जनसंख्या के बारे में पूछ रहे हो आप,
मेरा कहने का मतलब ये है, किसी की एक लड़की हो गई और दोबारा लड़की हो गई तो फिर क्या करेगा आदमी, मतलब ऐसे सा कैसे चलेगा। मतलब एक भाई के दो लड़के हो गए, एक भाई के एक लड़की है और दोबारा लड़की हो गई तो महंगाई, मतलब महंगाई ठीक है कि बढ़ना ठीक है कि गलत, क्या सरकार कैसे रोकेगी, सरकार क्या आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि इस तरीके से रोक। मैं सुझाव तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये है कि किसी के एक लड़की है, एक भाई के दो लड़के हैं, एक भाई की लड़की हो गई और एक और हो गई, उसका तो वंश खत्म, उसका नाम खत्म। लड़की, आप लड़की लड़की तब से बोल रहे हैं क्या, लड़की खुद नहीं कमाती है, लड़कियाँ नहीं कुछ कर सकती हैं? लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं, तो इससे मैटर थोड़ी ना है, लड़की चल लड़के से वंश चलता है, लड़के से अरे वंश चलता है, मैं महंगाई की बात कर रही हूँ, वंश मत ले जाइए। अच्छा महंगाई की बात हो रही है, तो और आप स्टार्टिंग में छोड़िए, तो आगे मतलब सरकार से क्या दरख्वास्त करेंगे? सरकार से सही है मैम, राशन मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, यूपी में तो एकदम आदमी लपोलप है, कोई कमी नहीं। दिल्ली में नहीं मिल रहा है? दिल्ली में कहाँ मिल रहा है, उतना नहीं मिला, जितना योगी बाबा कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, योगी जी देते हैं उतना कोई नहीं देगा, हम सब खुश हैं उनके, और फिर वो आएंगे दोबारा, फिर आप उन्हीं को वोट करेंगे। तुम्हारा तो हिंदू है, हिंदू वाला काम। तो आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? ऐसे घूमने आए थे, राखी खरीदने आए थे। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? शाकिर खान, बल्लीगंज में रहता हूँ। बाप दादे सब पुराना इतिहास है, 100 वर्ष से ज्यादा का। महंगाई जो है वो आजकल काफी तेजी से बढ़ रही है, हर चीज पे बढ़ रही है, तो उस चीज से परेशान है आप? बहुत ज्यादा मैडम, आज जो तेल पे उन्होंने जो है 10-15 रुपए कम किए हैं, लेकिन देने वाला जो कम करके नहीं दे रहा है, वो उसी भाव में दे रहा है, जो पिछले रेट है उसी रेट में दे रहा है, हर चीज ही महंगी है। किसी चीज से नाराज हैं आप, मतलब किसी, कौन सी सरकार से नाराज है, किसी सरकार से नाराज है? जी मोदी सरकार से नाराज है, वो हर चीज पे। पहले मैं यहाँ से वाराणसी जाता था विदाउट टिकट, ट्रेन के अंदर हमें फुल छूट थी, अब जो है 5-6 साल से जो है बिल्कुल छूट नहीं, पूरे पैसे देते हैं जब जाते हैं, विकलांग डब्बा एक अलग डब्बा होता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेडीज कंपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, जो लोकल डब्बा होता था चालू उसे भी रिजर्वेशन कर दिया है, तो बताइए खुश होंगे ऐसी सरकार से? नहीं तो दाल चावल मतलब हर चीज़ पर जो दाम बढ़ रहा है, तो उससे आपको दिनचर्या में क्या दिक्कत आ रही है? खाना महंगा हो गया मैडम, हर चीज खाने की वस्तु जितनी भी होती है सब महंगी हो चुकी है। सरकार को कोई सलाह देंगे किस तरीके से वो कम कर दे महंगाई को? ये तो केंद्र में जो बैठी हुई है सरकार, उसे खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसे, अब देखिए अभी 25 तारीख को शपथ लेंगी वो द्रौपदी मुर्मू, वो इतनी काबिलियत नहीं है उसके पास। अच्छा, उनके पास काबिलियत नहीं है, देश का मतलब वो महासचिव बनने जा रही है, उनके पास काबिलियत नहीं है? जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, वो एक आदिवासी औरत है। आदिवासी है तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो देश नहीं चला सकती? पढ़ी लिखी है वो, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बन सके। काबिल नहीं है वो? अच्छा, इस काबिल नहीं है, ठीक है पढ़ी लिखी है, उनके पास सब चीजें डिग्री वगैरह हर चीज है, लेकिन एक आदिवासी औरत जो है वो हिंदुस्तान को नहीं चला सकती। अच्छा, एक आदिवासी औरत नहीं चला सकती? नहीं। अच्छा, तो मुसलमान औरत चला लेगी? नहीं, मुसलमान उसके पास काबिलियत। अरे आदिवासी, अच्छा आप आदिवासी छोड़िए, आदिवासी क्या वो इंसान नहीं है, वो नहीं चला सकती? किसने कहा इंसान नहीं है? आप बोले आदिवासी तो नहीं चला सकती, क्यों भैया? आदिवासी औरत जो मतलब बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग में है, वो कैसे चला देगी? एक चाय वाला देश चला रहा है, वो नहीं चला सकती? चाय वाला देश चला रहा है, उसके पास काबिलियत थी इतनी कि वो चाय बेचते बेचते इस पद पे पहुंचा है। तो आपने पहले काम करवा के देखा था क्या द्रौपदी मुर्मू जी से? नहीं, हमने तो अखबार, अभी तो उन्होंने शुरू ही नहीं किया, आप कैसे बोल रहे हैं वो काबिल नहीं? 30 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है उनका, देखिए उसके बाद क्या करती है वो, देख तो वो, आप तो समय से पहले घोषणा कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल कुछ ना सामने नजर आता है, ये आदमी सामने, इसकी दोनों आंखें हैं, मैं इसको कह दूं कि ये अंधा है तो मान लेंगी आप? बिल्कुल नहीं। फिर तो उसी हिसाब से जो है उनके ऐसा नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है कि वो शायद देश ना चला सके। तो आप किसी की शक्ल देख के या किसी की एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई को देख के बता सकते हैं कि वो देश चला सकता है कि नहीं? मैडम शक्ल नहीं देखी जाती, किस तरीके काबिलियत देखी जाती है। काबिलियत तो आगे आने वाले समय में दिखेगी ना, आप तो पहले से घोषित कर रही हैं, कैसे कुछ
दिल की गहराइयों से आवाज निकल रही है। अच्छा छोड़िए छोड़िए, महंगाई पे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति बन रही है, ठीक है, तो क्या उम्मीद है कि आगे क्या कर सकती हैं? अगर इन्होंने जो केंद्र में हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बन के आ रही हैं, इन्होंने अगर महंगाई को काबू किया, अपने कब्जे में किया, चीजें सस्ती की, तब हम इसको वाकई मानेंगे कि हाँ भाई। किसे वोट देते हैं आप अभी, किसे वोट देते हैं? वोट तो आदमी को देख कर दिया जाता है मैडम। अरे कौन सी सरकार को देते हैं, आदमी तो बहुत है। हाँ सरकार तो हम इसको आम आदमी पार्टी को पसंद, आदमी पार्टी को देते हैं जी। अच्छा बीजेपी के राज में आप खुश नहीं है क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप भी नहीं है? मैं तो वाकई में नहीं हूँ, क्योंकि मैं देश का युवा हूँ, और आज मैं देश का युवा होने के बावजूद क्षेत्र में जाके हम अपने साथियों से बात करते हैं, काश यार मुझे नौकरी पे लगा दे। तो ऐसे प्रधानमंत्री का या ऐसे राष्ट्रपति का क्या दायित्व मानते हैं कि जो हमें कुछ कर सके? हम आप नौकरी नहीं करते? मैं नौकरी नहीं करता, मैं प्राइवेट काम करता हूँ। आज मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। कहाँ कितने पढ़े हैं आप? मैंने 12वीं पास करी है, और 12वीं पास करने के बाद मैं मजदूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। 12वीं पास करी है और 12वीं के बाद आपने आगे पढ़ाई तो की नहीं है ना, तो आप क्या चाहते हैं, कलेक्टर बन जाए? नहीं मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा, तो कम से कम ऐसा तो बनूं, कहीं क्लर्क तो बन जाऊं। आपने कोशिश की थी, ढंग की गाड़ी तो चला लूं। अरे आपने कोशिश की थी, जब चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता, क्या मैं कलेक्टर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता ना। तो जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि चेहरे पे दिखता है इंसान के, इसी तरह मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड किया इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड किया, 1000 कह रहा हूँ। अच्छा 2014 से आपको तकलीफ हो रही है अभी तक जीने में? तकलीफ क्या, मैं हम तो घुट गए इस दिल्ली के अंदर, सब लोग दिल वाले थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते थे। आज भाईचारा इतना बिगाड़ दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। फ्रॉड जो आपने शब्द यूज किया, उसका क्या फ्रॉड किया बताइए? फ्रॉड ये कि देश की जनता को कहा था एक एक बच्चों एक एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और मैं कह रहा हूँ हमारे सबके अकाउंट। शायद आप गलत समझ चुके थे उस चीज को, है ना, 15 लाख रुपए। मैं नहीं समझा, मैं तो देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मगर हमारे कुछ साथी समझ गए वाक्य में नरेंद्र मोदी कुछ भला करेगा। उसने कहा था कि मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर भाई भाई को लड़ा रहा है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई बाजार में चले जाए किसी के 10 रुपए गिर जाए तो किसी को कोई 10 रुपए नहीं दे सकता। मुस्लिमों को दिक्कत है इस देश में? मुस्लिम को भी नहीं है, हिंदू को भी नहीं है, सिख को नहीं है, ईसाई को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोगों को दिक्कत है जो भाई भाई को लड़ा रहे हो। ये देखो मेरे साथ ये हिंदू खड़ा है, ये मुसलमान खड़ा है, ये सिख भाई खड़ा है, सारे भाई खड़े हैं। अभी मुझे कोई दर्द हो जाए तो मुझे सारे भाई ले जाएंगे। क्या बिगाड़ दिया RSS ने, क्या बिगाड़ दिया RSS ने? इस देश की भ्रांति को बिगाड़ दिया है, इस देश की आपस का भाईचारा बिगाड़ दिया, हिंदू मुस्लिम कर दी। और अभी देखिए पुलवामा जैसे शहीद मेरे भाई मारे गए, उनकी कोई फाइल नहीं खुली, उनकी कोई विषय में बात नहीं कर रहे, मगर किसी ने घोटाला कर दिया। जांच तो चल रही है ना, हुई तो नहीं ना, क्या एक जहाँ 40 नौजवान जब कहता था एक मरेगा, एक सेकंड एक मरेगा तो प्रधानमंत्री 36 इंच का सीना पाकिस्तान लेकर पहुंचेगा। देश में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब उधर सरहद पार में कोई मरता है तो इतनी खुशी के किस बात की होती है फिर आपको? क्यों हम वोट करें उन ऐसी सरकार को? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी? मैं अब दोबारा बताएं क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसके बारे में पूछ रहे? तो वो तो वहाँ हुई थी ना, हमारे यहाँ तो नहीं हुई ना। अरे तो हमारे देश के जवान मरे थे, उसका बदला लिया गया ना? बदला कहाँ लिया गया? खेतों में जाके बम फोड़ दिया, कह दिया मैंने पाकिस्तान में जाके मैंने बम फोड़ दिया, जाके शहर में बम फोड़ दिया। मैंने बता तो वहाँ की रिपोर्ट तो दो, कितने आदमी मारे वहाँ के, कोई प्रधानमंत्री तो बताए पाकिस्तान का, क्या वहाँ से हमारे इतना आदमी मारा? मरता तो एक नहीं है, और देश के नाम पे झूठी भ्रांति पैदा कर देते मीडिया। बुरा मत मानने, आप भी मेरी मीडिया की बहन है, मगर मीडिया को खरीदा गया है, बोलने वाले को चुप किया गया है। और दूसरा बोलिए, और दूसरा जो भाई बोल रहा है उसको किसी एजेंसी पे आप सवाल क्यों खड़ा करेंगे जी? किसी एजेंसी पे क्यों सवाल खड़ा करेंगे? सवाल तो मैं खड़ा करता हूँ हमेशा नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये एक झूठा यूपी में है कि नाम उसका योगी। पत्रकार को आप क्यों बोलेंगे कि पत्रकार खरीद चुकी है? पत्रकार आज अच्छी तरह से अपनी कलम नहीं चला रहा, बोलने वाला आदमी जो आप जैसी मीडिया में जो एंकर है मेरी बहन जो बोल रही है, वो सही तरह से हम जैसे लोगों को, सच्चे लोगों को दिखा नहीं रहे, झूठे लोगों को बार बार दिखा रहे। हम दिखा रहे हैं ना, और इस तरीके की अगर आप बात बोलेंगे कि देश में सरकार ये बिगाड़ रही है वो बिगाड़ रही है, तो आपकी सरकार आपकी बात पहुंच जाएगी उन तक? जो मेरी बहन आपकी मीडिया के माध्यम से मुझे दिखाया गया,
और मेरी जनता को सबको दिखाया गया, तो मैं आपके चैनल को सलूट करूंगा, आपके आपके चैनल को मैं बहुत बड़ा मानूंगा, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई की बात करो। जरूर दिखाएंगे। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम अनिल शील है, अनिल शील है मेरा नाम, दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ मजदूरी करता हूँ। चलो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं चाहूंगा आप लोग मेरी बात आगे तक बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए। मेरी नहीं, इस जनता की जो भी बैठे, जो गरीब मेरे बहन भाई है जो पिस रहे हैं इस सरकार से, उस सरकार को सुनाए जो, ताकि इस देश की सही तरह से, हमें नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं है ना किसी से, हमें सिस्टम से लड़ाई है जो गरीबों को, जो गरीबों का खून चूस रहा है। तो आशा करते हैं कि आज की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी, और किसी भी तरीके के और परेशानी या किसी भी और मुद्दे को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे कि हम यहाँ आके या कहीं भी जाके आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग एकदम अच्छे से समझाएं कि क्या है क्या है। नजर टुडे के तरफ से हम आपको जरूर बताएंगे कि सही मुझे जरूर बताएंगे कि सही इस काबिल नहीं है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन सके। गरीब मर गया, गरीब मर गया।